सावन के पहले सोमवार पर उमड़ा महादेव के भक्तों का सैलाब। गोवर्धन गोवर्धन सावन महीना शुरू होते ही भक्तों की दिन प्रतिदिन पूजा पाठ की प्रक्रिया बढ़ती जा रही हो, इसी क्रम में सावन के सोमवारों का बहुत बड़ा महत्व है। सावन माह के प्रथम सोमवार पर श्रद्धालुओं की मंदिरों पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इस भीड़ में महिला, पुरुष व बच्चे सभी लोग भक्ति भाव में लीन नजर आ रहे थे। ऐसा ही नजारा गोवर्धन क्षेत्र के चकलेश्वर महादेव पर देखने को मिला। हम आपको बता दें, चकलेश्वर महादेव बहुत ही प्राचीन महादेव हैं, जिसका लेख वेद पुराण में लिखित है। इसका महत्व मंदिर में उपस्थित पुजारी ने विस्तार से बताया। पंडित जी आपका नाम? शेखर गोस्वामी। जैसा कि यहाँ पे आज भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, आज सावन का पहला सोमवार है। आज सावन के पहले सोमवार पे सभी जो है गांव की बार बार से लोग आते हैं चकलेश्वर महादेव पे पूजा सेवा चल रही है। ये चकलेश्वर महादेव की स्थिति कब से बनी हुई है और ये कब से स्थापित है? चकलेश्वर महादेव की स्थिति जैसे आ रहा साइड में, चकलेश्वर महादेव की स्थिति जब से बनी हुई है, पहले यहाँ पे इनकी पूजा हुआ करती थी, इनकी भी पूजा हुआ करते थे, तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप इंद्र की पूजा क्यों करते हो, इसलिए राजा तो हमारा कितना गरण गोवर्धन कहा है। जब विष्णु भगवान ने गोवर्धन महाराज की पूजा कराई थी, इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र को जब क्रोध आया तो उसने 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा की। तो 7 दिन 7 रात वर्षा की, उसने कहा कि अपने गणों से जाके ब्रज को बहा दो, एक भी नहीं बचना चाहिए, जाके ब्रज को बहा दो। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, जो अपना गोवर्धन पर्वत है वो उंगली पे धारण कर लिया, उसके ऊपर अपना जो सुदर्शन चक्र है ऊपर ही ऊपर घुमा दिया, तो जितना भी जल आए वो सब ऊपर ही ऊपर घूमता रहे, ब्रज में आ ही नहीं। फिर भी नहीं उड़ पाया इंद्र, और तेज वर्षा होने लगी। तो शंकर जी ने क्या किया, ये जो चक्र जो घूम रहा था उसके ऊपर विराजमान होके और जितना भी जल आया वो सब ऊपर ही ऊपर अपनी जटाओं में ले लिया, एक भी बूंद नीचे ब्रज में नहीं आने दिया, इसीलिए इनका नाम चकलेश्वर है।